हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर। मेरे यूट्यूब चैनल प्रॉप बज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। काफ़ी लंबे समय के बाद दोबारा से वीडियो अपलोड कर रहा हूं। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि मुझे कोई अच्छी प्रॉपर्टी नहीं मिल रही थी। सो फाइनली मैंने आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त फार्म हाउस ढूंढ निकाला है। फार्म हाउस ही क्यों, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो हमारा पिछला वीडियो था फार्म हाउस का, आपने बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया। तो फाइनली हमने आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त फार्म हाउस ढूंढ निकाला जिसकी लोकेशन दिल्ली से बेहद नज़दीक पड़ती है। नोएडा सेक्टर 135 इसकी लोकेशन है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। बने रहिए, इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करूंगा इसी फार्म हाउस के बारे में। तो बढ़ते हैं वीडियो में इस आगे। हमारे इस फार्म हाउस पर आने के लिए दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन या दिल्ली के किसी और भी अदर लोकेशन से आप बड़ी आसानी से इस फार्म हाउस तक पहुंच सकते हैं। उसका सीधा रास्ता है यह कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन, बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन और ओखला बर्ड सेंचुरी मेट्रो स्टेशन। हमारी इस फार्म हाउस के सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन में से एक है। सुपरटेक का प्रोजेक्ट सुपरनोवा एक आइकॉनिक लैंडमार्क है। इसी के जस्ट बिहाइंड से एक रास्ता जाता है जो सीधा परी चौक को जाता है। इस वक्त जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ ये वही रास्ता है। आप यहाँ से सीधा परी चौक मात्र 15 से 20 मिनट में बड़े आराम से पहुँच सकते हैं और इसी रास्ते से मात्र 5 से 7 मिनट में आप हमारे फार्म हाउस तक भी बड़े आराम से पहुँच सकते हैं बिना रुके, बिना किसी रेड लाइट के। साथ के साथ मैं आप लोगों को ये भी बताता हुआ चलूं कि इस सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा मल्टीनेशनल्स कंपनियां हैं। आसपास के सेक्टर्स में लग्जरी ग्रुप हाउसिंग और लाइफस्टाइल पहले से ही मौजूद है। हमारे इस फार्म हाउस से मात्र 5 से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपको अमेठी यूनिवर्सिटी, लोटस वैली स्कूल, मयूर स्कूल जैसे कई सारे इंटरनेशनल लेवल के स्कूल आप लोगों को बड़े आराम से देखने को मिल जाएंगे। तो टोटल लैंड 900 एकड़ है। टोटल फार्म हाउस जो यहाँ पे बने हुए हैं वो 1300 से ज़्यादा फार्म हाउस बने हुए हैं। 60% से ज़्यादा लोग इस फार्म हाउसेज में ऑलरेडी रह रहे हैं। इसमें हाई प्रोफाइल बिजनेस मैन के साथ साथ कई सारी सेलिब्रिटी भी यहाँ पर रहते हैं और ये सभी इस फार्म हाउसेस को अपना दूसरा घर भी कहते हैं। उसका रीज़न ये है कि आप लोगों को यहाँ पे वो सभी तरह की फैसिलिटी मिल जाती है जो आपको एक मेट्रो सिटी में मिलती है। सो फाइनली गाइज, मैं आप लोगों को एक सैंपल फार्म हाउस पे लेकर आया हूँ। ये फार्म हाउस 2 बीघे में बना हुआ है। इसकी बाकी सारी अमेनिटीज़ के बारे में पूरी डिटेल में मैं बात करूँगा। बने रहिए इस वीडियो में आगे। इस फार्म हाउस की और भी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा खूबसूरत साइज पे 200 स्क्वायर यार्ड का कॉटेज बना हुआ है और ये फार्म हाउस जितना देखने में खूबसूरत लगता है उससे कहीं ज़्यादा ये इको फ्रेंडली भी है। और साथ के साथ आप देख सकते हैं हमारे इस फार्म हाउस में एक कितना प्यारा सा एक स्विमिंग पूल बना हुआ है जिसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो 200 स्क्वायर यार्ड में कॉटेज बना है ये उसके बाहर उसके अलावा ये साइजेस में कवर होता है। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ के एक क्लब हाउस में लेकर चलता हूँ जो कि 7000 स्क्वायर यार्ड में बना हुआ है। काफ़ी बड़ा है। आप इसके ओपन एरिया में छोटी पार्टी या छोटा फंक्शन से लेकर या कोई भी कितना भी बड़ा फंक्शन हो आप इसमें बड़े आराम से कर पाएंगे क्योंकि इसमें बहुत सारा स्पेस है। और एक क्लब हाउस में जो जो फैसिलिटी आप लोगों को मिलती है वो सभी तरह की फैसिलिटी
इस क्लब हाउस में आप लोगों को मिलेगी। इस फार्म हाउस को आप किसी भी तरफ से देख लीजिए, ये बिल्कुल नेचुरल ग्रीन है। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसको इस तरह की फ्रेश प्योरिटी और लश ग्रीन एनवायरनमेंट में जिंदगी जीने की इच्छा ना हो। नेचर हर किसी को अपने पास बुलाता है, लेकिन इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में नेचर के पास वापस जाना काफी मुश्किल हो गया है। तो देखा आपने इस सैंपल फार्म हाउस के सराउंडिंग में कितने सारे फार्म हाउस बने हुए हैं। जिन्होंने यहाँ पे फार्म हाउस बनवाए हैं वो अपनी छुट्टियों का टाइम यहाँ पे एक क्वालिटी टाइम के रूप में स्पेंड करने ज़रूर आते हैं। इस सेक्टर में फार्म हाउस के साथ यहाँ का ये क्रिकेट ग्राउंड भी है। देखा आपने इस फार्म हाउस को, इसकी सभी तरह की एमिनिटीज़ को। ये फार्म हाउस वेल डिज़ाइन किया गया है, वेल डिज़ाइन के साथ साथ खूबसूरत भी लगता है। इस फार्म हाउस में इतना अच्छा खासा स्पेस है कि आप इसमें मॉर्निंग की वॉक, सभी तरह की एक्टिविटी लाइक योगा, जॉगिंग, अपना मॉर्निंग का वर्कआउट बड़े आराम से कर पाएंगे। दोस्तों, तो ये थी हमारी सेक्टर 135 में बने हुए फार्म हाउसेज की डिटेल्स। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर यहाँ पे आप लोगों को फार्म हाउस लेना है या अगर आप लोग यहाँ पे विज़िट करना चाहते हैं तो भी दिए गए नंबर पर कॉल करके यहाँ पर अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं। यहाँ की फ्रेश एयर, प्योरिटी, लश ग्रीन एनवायरनमेंट आप सभी का इंतज़ार कर रहा है। Thanks for watching.